प्रदेश के 17 आरएएस अधिकारी आईएएस बने हैं। डीओपीटी ने जारी किया है नोटिफिकेशन। 2020 की चयन सूची की जारी की गई है। नरेंद्र गुप्ता, प्रेम सुख विश्नोई, अनिल अग्रवाल, टीकम चंद बोहरा, हरजी लाल अटल, महावीर मीणा, राम अवतार मीणा, रामदयाल मीणा, खजान सिंह, एमएल चौहान, रश्मि शर्मा, लक्ष्मी नारायण और मंत्री इकबाल खान, कल्पना अग्रवाल, मनीषा अरोड़ा, सुनील अरोड़ा, पुष्पा सत्यानी आईएएस बने। इकबाल खान, कल्पना अग्रवाल, मनीष अरोड़ा, ये बेहद महत्वपूर्ण नाम आप तक पहुंचा रहे हैं और अपने आप में ये खुशी की बात है कि जो आरएएस थे वो आईएएस उन्हें बनाया गया है। और जाहिर सी बात है यहाँ 17 आरएएस अधिकारी थे, उन्हें आईएएस बना दिया गया है। डीओपीटी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भरत जुड़े हैं। भरत, किस आधार पर आरएएस को आईएएस बनाया गया? देखिए, आज डीओपीटी ने 17 आरएएस हैं उनको आईएएस बना दिया है और उसकी नोटिफिकेशन डीओपीटी ने जारी कर दिया है। ये जो आईएएस बने हैं 2020 में जो रिक्त थे पद, उनको लेकर इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया और उनकी ये चयन सूची है जिसमें बात की जाए नरेंद्र गुप्ता, प्रेम सुख विश्नोई, अनिल कुमार अग्रवाल, टीकम चंद बोरा, हरजिला लड्डल, मायूर प्रसाद मीणा, रामतार मीणा। इस तरह से 17 आरएएस हैं जो आईएएस बन गए हैं। कुछ दिनों पहले इनके इंटरव्यू थे डीओपीटी में, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, डीओपीटी के अधिकारी, यूपीएससी के वो बैठे थे और इनके इंटरव्यू दिए थे। 17 पद रिक्त थे, जिनमें आरएएस टू आईएएस बनने थे, लेकिन उसके लिए 51 नाम भेजे गए थे, उसमें इंटरव्यू थे और अब 17 आरएएस अधिकारी हैं, उन्हें वरिष्ठता के आधार पर उनको एसीआर देकर उन्हें प्रमोट किया गया और अब वो आईएएस बन गए हैं। इसी तरह शुक्रिया भारत आपका अपडेट देने के लिए। सत्रह आरएएस अधिकारी आईएएस बनाए गए हैं और डीओपीटी ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।